देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। कड़े रुख में नजर आए नैनीताल सांसद अजय भट्ट। हल्द्वानी में आज काट गोदाम के सर्किट हाउस में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के सभी अधिकारी और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में नैनीताल सांसद अजय भट्ट कड़े रुख में नजर आए। अजय भट्ट ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक में सभी योजनाओं में कितना कार्य किया गया है, इसके लिए सभी अधिकारियों के कार्य का विवरण दिया। कोई अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जितनी भी योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार से आती हैं, उस पर सभी अधिकारी सख्ती से पालन करें। अजय भट्ट जी ने कहा कि जिस प्रकार से रामपुर से गोला पार बाईपास से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, उसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया, इसके लिए उन्होंने NH अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा कि वे काम सरकार के द्वारा प्रस्ताव किया गया था, उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, और जल्द ही लिंक रोड का भी शुभारम्भ विभागों के द्वारा कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। यहाँ पे बड़े सख्त तेवर में नजर आए, निर्देशित भी है जितने भी काम रुके उसको पूरा करें। किस प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और क्या आगे निर्देशित किया जा रहा है? हमारी सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि जब स्वीकृति दे दी है कामों की, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। सड़क है आपका, किसानों से संबंधित मामले हैं, PMGSY है, NH है, NHAI है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने आज यहाँ पर सारी चीज़ों का एक एक विभाग करके विभागवार समीक्षा की है। जैसे अब हम रामपुर से नरीमैन पॉइंट तक, यहाँ काठगोदाम तक हमारी 4 लेन की सड़क आ रही है, टॉल रोड। जब वो आ जाएगी तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारा यहाँ से रामपुर जाना, वहाँ से दिल्ली पहुँचना। तो सब बन गई, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, विलंब क्यों हो रहा, हमने पूछा है। ऐसे ही हम लोग यहाँ से आगे को चाहते हैं कि कर्णप्रयाग तक ऑल वेदर रोड की तर्ज पर सड़क बने, इसके मामले को मैंने उठाया भी था, उसके मामले में भी पूछताछ यहाँ पर हम लोगों ने करी है। और जो NHM का पैसा है, उसमें मशीनें अगर खरीदी गई हैं तो उनके ऑपरेटर क्यों नहीं है, जंग क्यों खा रहा है? तो हमने कहा इनको सब चीज़ों को देखिए और अपनी जिम्मेदारी फिक्स करिए। अब BSNL है, उनके टावर काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ड्यूटी यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनको देखना चाहिए, आप बच नहीं सकते ड्यूटी से। अगर कोई कारण है तो वो कारण लिख के दीजिए, ताकि हम केंद्र सरकार से या फिर संबंधित अधिकारी जो भी होंगे उनसे वार्ता करेंगे। इस तरह से एक एक विभाग की हमने आज समीक्षा की है, उसमें जो भी विभाग थे, करीब 42 स्कीम्स जो केंद्र से आती हैं उनकी तो करी ही है, साथ में जो इस हमारी स्टेट के विभाग हैं उससे संबंधित जो कार्य हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने समीक्षा की है। परिणाम अच्छे आएंगे, अच्छे आ रहे हैं और अच्छे लाएंगे इनको। अब हर त्रैमासिक हम इसी तरह से बैठक किया करेंगे, ताकि हर चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ साफ होते रहेगी। सर, आपने बैठक ली कि ऐसा कोई विभाग मिला जिसने आपके द्वारा की गई योजनाओं का पूरा नहीं किया और लापरवाही की, ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई अधिकारी ऐसा नहीं, ठीक है, कम बाकी हो जाता है क्योंकि कोविड आ गया था, उससे थोड़ी रुकावट तो पूरे देश नहीं दुनिया में आई है, लेकिन इधर फिर से अब काम पकड़ लिया है सब लोगों ने। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।